Hi, I welcome you all to my kitchen. Today's recipe is adhi rasam or arsa. If you want to know how I made this recipe, please watch till end. Let's begin. Here I have taken 1/2 kg of rice flour and 1/2 kg of jaggery. ये दोनों चीज़ों की सेम ही प्रोपोर्शन होनी चाहिए. तो आप पहले क्या करना है, ये जैगरी को हमें मेल्ट करना है. ये जो गुड़ है, बिना पानी डाले हमें इसे धीमे आंच पे इसको पूरा मेल्ट कर लेना है. इसको बीच बीच में आप चलाते रहिए. ये जो राइस फ्लावर की बात मैं कर रही हूँ, इसे ये आप स्टोर बॉट ना यूज़ करें, ये उतना टेस्टी नहीं बनता है स्टोर बॉट लाने से. आप इसको एक काम कीजिए कि आप चावल ले लीजिए, एक रात में जो सोक कर लीजिए अच्छे से धोकर, उसको उसके बाद उसको सुबह सुखा दीजिए, सारा वाटर ड्रेन करके उसको सुखा दीजिए. सुखा देने के बाद जिस उसी राइस को, सोक्ड राइस को आप उसको अच्छे तरीके से मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए, तो वो अच्छा एक फाइन पाउडर बन जाता है. देन आफ्टर दैट आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए. जैगरी हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है. देखिए अब हम इसे जैगरी के कंसिस्टेंसी चेक करने का एक प्रोसेस होता है, जिसके लिए हमने एक बाउल में पानी ले लिया हुआ, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स जैगरी उसमें डालेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और उसको टच करने के लायक हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है. तो देखिए ये रेसिपी एक्चुअली मेरी नानी बना रही हैं, तो उन्होंने ऐसे टच किया तो उनको कंसिस्टेंसी बराबर नहीं लगा है, तो फिर से और थोड़ा देर और कुक करेंगे इस जैगरी को, इस गुड़ को. देखिए फिर से थोड़ा देर कुक करने के बाद हम लाइक उसको फिर से पानी में ले लिए हैं. देखिए ये एक्चुअली फॉर्म होना हो जाना चाहिए, एक वैक्स जैसे हो जाना चाहिए, ताकि इजीली वो फ्लो ही नहीं होना है. मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा होगा. देखिए इसको आप जब टच करेंगे, जब आप इसको टच करते हैं ना, देखिए कितना इजीली एक फॉर्मेशन है इसमें, ये रन ही नहीं होता है, एक थिकनेस है इसमें, ये ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए. देखिए एक बॉल जैसा या ईजीली टूट जाए उस टाइप का नहीं होना चाहिए. देखिए हाथों में ऐसे तरह का आना चाहिए. तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जैगरी रेडी है. अब इस पर हम जितना थोड़ा सारा राइस था थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे. देखिए मैंने सारा राइस ऐड करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था. उसके बाद मेरी नानी ने लाइक शी स्टार्टेड नीडिंग द डो अच्छे तरीके से. अगर पानी यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हार्ड लग रहा है या कुछ लग रहा है, हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आप इसको अच्छे से नीड कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा नीड कर लीजिए. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने कालों की रेसिपीज़ होती है, मतलब शादियों में वगैरह में बनती है, तो ये यूजुअली हमें तो आती नहीं है, आज की जनरेशन के लोगों को आती नहीं है. तो मेरी नानी आई हुई थी, तो आई आस्क्ड हर टू मेक दिस रेसिपी बिकॉज शी मेक्स ऑसम. तो ये जो है हमारे इस रीजन में बहुत ज़्यादा खाया जाता है शादियों में बेसिकली, और साउथ की तरफ भी इसको बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं. तो आप इसको ऐसे छोटे छोटे बॉल्स लीजिए, उसके बाद उसको आप अपने हाथों से टैप कीजिए, छोटी छोटी पूरियाँ बनाने जैसे साइज़ में इसको ऐसा ले लीजिए. बस थोड़ा थोड़ा तिल लगा लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप लगा लीजिए जैसे आपकी मर्ज़ी. उसके बाद हम मीडियम टू हॉट ऑयल में इसे फ्राई करेंगे, एक एक करके सारे डालते जाएंगे.
आपको ना बहुत ज़्यादा उसका कलर चेंज होने तक इंतज़ार नहीं कीजिए। जैसे आप देखें थोड़ा सा, मैंने एक फर्स्ट वाला जो मेरा थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, आपको इतना डार्क तो रखना ही नहीं है इसको, इससे जस्ट थोड़ा सा पहले आपको निकाल लेना है डार्क कलर होने से पहले। तो एक एक करके मैंने ऐसे सारा डाल लिया। आप इसका बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इनिशियली जब गरम गरम आप खाते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है, तो उसके बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट एक दो दिन के बाद आप जब खाएंगे ना तो अपने नॉर्मल स्टेज में ही आ जाता है, अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, अंदर से मॉइस्ट रहता है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे कोई अरसा बोलता है, कोई अनरसा बोलता है, कोई अधियरसम बोलता है, आपको जो समझ में आता है आप वो बोलिए। मेरा तो ये अरसा रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।